बॉलीवुड में जब सूदिंग गानों की बात आती है, सूदिंग वॉइस की बात आती है, तो फिर एक नाम जो हमेशा टॉप पर आएगा, बहुत गई आगे, मगर इस बार तुम ही आना, इरादे थे जाने, जुबिन नौटियाल से जब अक्षय कुमार के ऊपर उस गाने को पिक्चराइज किया गया था, और ये गाना जो है आरको मुखर्जी जो एक फेमस सॉन्ग राइटर है, म्यूजिक कंपोजर है, उन्होंने एक बार जुबिन नौटियाल को फोन किया। तब उस टाइम पर जुबिन नौटियाल स्क्रैच गाने गाया करते थे। अब जब ये गाना जुबिन नौटियाल ने गाया तो अक्षय कुमार को ये गाना बहुत पसंद आया, और जब अक्षय कुमार ने इस गाने को सुना तो उन्होंने कहा कि ये जो भी सिंगर है इसी की आवाज में मेरी मूवी में ये गाना जाएगा। And that's how the song happened. और फिर उसके बाद से जुबिन नौटियाल की एंट्री हुई बॉलीवुड में। लेकिन 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 गाना जो सबसे पहले रिलीज हुआ जुबिन नौटियाल का बॉलीवुड में, वो था ये एक मुलाकात जरूरी फ्रॉम द मूवी सोनाली केबल, जिसे अल्तमश फरीदी ने भी गाया हुआ है। तो सोनाली केबल मूवी जो थी वो अक्टूबर में रिलीज हुई, और ये गाना जो था पहले रिकॉर्ड कर लिया गया था, और फिर उसके बाद से ये गाना रिकॉर्ड हुआ। तो इसी तरीके से जुबिन नौटियाल की एंट्री हुई बॉलीवुड में मेहरबानी गाने से, और उसके बाद से तो फिर हर किसी के दिल में एंट्री हो गई जुबिन नौटियाल की, और फिर कई गाने इनके आते गए। बिना पूरी तरह भीगे अब